हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस अनंत। आई एम स्नेहा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन विद योर लव्ड वंस। एग्जाम आ गए हैं सितंबर में और हम रिवीजन कर रहे हैं रियल एनालिसिस का। पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी कर लिया, सीक्वेंसेस एंड सीरीज भी हो गई। आज हम करेंगे फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू शुरू कर लेते हैं, बातचीत करते रहेंगे बीच बीच में। टर्म्स रिलेटेड टू फंक्शंस, पहली जो चीज़ है वो टर्म्स हमें पता होना चाहिए। वैसे तो सबको मालूम है डोमेन फंक्शन का, जहाँ से फंक्शन वैल्यूज़ लेता है। कोडोमेन, जहाँ पर मतलब इमेज जो है या जहाँ पर फंक्शन अपनी वैल्यूज़ भेजता है। और रेंज क्या होता है, रेंज कोडोमेन का एक पार्ट होता है या कह सकते हैं सबसेट होता है, जिसके अंदर सारी इमेजेस इकट्ठी हो रही हैं। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है लिमिट, कॉन्टीन्यूटी एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। इसको हम वन बाय वन पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज़ बीच में छोड़ के मत भाग जाना, आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। मैं चाहती हूँ एक वीडियो में, वन सिटिंग में ना, एक टॉपिक कम से कम तुम लोगों का रिवाइज हो जाए, सो दैट तुम्हारे भी दिमाग से निकल जाए कि हाँ एक हमारा टॉपिक पूरा हो गया है, और यू नो याद भी रहे। सो लिमिट ऑफ फंक्शन, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, क्योंकि ये तुमने 11th 12th में भी बहुत अच्छे से किया हुआ है ना। हाँ, यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच क्या है हमारी, अगर तुम्हें याद हो तो डिलेटेड नेबरहुड ले लेते थे हम लोग किसी एक पॉइंट पर। ये डेल्टा मिलना चाहिए मुझे, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा विच डिपेंड्स ऑन सी, जहाँ पर हम फंक्शन की लिमिट निकालना चाह रहे हैं ना, ऐसे कुछ ऐसा लिखते थे। ये पहले लिखते थे, ये बाद में लिखते थे, वॉट एवर। तो ये क्लासिकल अप्रोच है। ऑब्वियस सी बात है, हमें इस क्लासिकल अप्रोच का कोई लेना देना नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नेट के ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले आते हैं ना, वहाँ पर हमें क्लासिकल अप्रोच की ज़रूरत नहीं होती। कॉलेज एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर पढ़ना। सीक्वेंशियल अप्रोच, ये अप्रोच है प्रैक्टिकल अप्रोच, जिससे हम बहुत सारे फंक्शन के लिमिट कॉन्टीन्यूटी सब यहीं से बता देते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, देखो लिमिट हम निकाल रहे होते हैं किसी एक पॉइंट पर, एट अ पॉइंट, ठीक है, लिमिट एट पॉइंट सी। तो हम क्या करते हैं, एक कहीं से तो जुगाड़ निकालते हैं और एक सीक्वेंस निकाल लेते हैं एक्स एन जो सी पर कन्वर्ज कर रही है। फिर हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स एन कहाँ कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ एक्स एन भी एक सीक्वेंस बन जाएगी, ये कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। अगर कन्वर्ज करती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अगर कन्वर्ज नहीं करती तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करके भी लिमिट निकालते हैं। अगेन ये 12th का टॉपिक है, वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। एलजेब्रा ऑफ लिमिट, एलजेब्रा ऑफ लिमिट में अगर दो फंक्शंस हैं जिनके लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनके प्रोडक्ट का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, लिमिट ऑफ एफ प्लस माइनस लिमिट ऑफ जी, इस तरह से। चलिए अब आ जाते हैं कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी में क्या करना होता है हमें, कॉन्टीन्यूटी अगेन वी आर चेकिंग कॉन्टीन्यूटी एट सी। तो यहाँ जो लिमिट के टाइम पर एल निकाला था ना, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। इंटरनल पॉइंट पर इस तरह से चेक कर लिया, एंड पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरवल में, या तो इंटरवल बाउंडेड होगा इस तरह का होगा, है ना, क्लोज्ड या ओपन इंटरवल बाउंडेड, या फिर हमारा आर जैसा इंटरवल होगा, या इस तरह का होगा 0 to ∞, माइनस इन्फिनिटी टू से ए, इस तरह का कोई कुछ भी इंटरवल है। तो यहाँ पर हमें एंड पॉइंट पर जो, जैसे ए है हमारा लेफ्ट साइड वाला, इसमें हम राइट हैंड कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं, यानी वी हैव टू चेक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स, और इधर बी माइनस के लिए कॉन्टीन्यूटी इन एन इंटरवल। हम इंटरवल पर कब कहेंगे, जब हर इंटरनल पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस हो और एंड पॉइंट पर भी कॉन्टीन्यूस हो। डिसकॉन्टीन्यूटी, डिसकॉन्टीन्यूटी से क्वेश्चन बनते हैं। डिसकॉन्टीन्यूटी तीन तरह की होती है, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, और एक और होती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूसी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी में क्या होता है, हमारा जो लिमिट आया है ना एल, वो इक्वल नहीं होगा किसके, फंक्शन की वैल्यू के। तो हम फंक्शन को रीडिफाइन करके ये रिमूवेबल जो डिसकॉन्टीन्यूटी, इसको हटा सकते हैं। डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में लेफ्ट हैंड जो आया है ना लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे बट इक्वल नहीं होगा। डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, फर्दर ये जो फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड है ना, इनको फर्दर और भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड काइंड फ्रॉम राइट, इस तरह से। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोज़ जा करके एक बार उठा करके देख लेना, फटाफट से समझ आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी क्या होगा, यहाँ पर
जो हमने सीक्वेंशियल अप्रोच पढ़ा था ना, जैसे ये जो एक्स एन पढ़ा था ये सी पर तो जा रहा है, बट एफ ऑफ एक्स एन जो होगा ना ये अनबाउंडेड आ जाएगा, दिस इज़ अनबाउंडेड, या हम कहें कि प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो हम इस ऐसे केस में कहेंगे दैट पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी। एलजेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन वही बात है, दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस बनेगा, कुछ नया नहीं है इधर। फिर आ जाते हैं थ्योरम्स ऑन कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ना वो यही वाली है हमारे लिए। तो यहाँ पर से हम थ्योरम्स देखना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम्स हैं। पहली चीज़ कह रही है, हम फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग कि कॉन्टीन्यूटी हो और क्लोज्ड इंटरवल हो तो बाउंडेड होगा फंक्शन, है ना। यानी फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है कहाँ पर, क्लोज्ड इंटरवल पर, तो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बाउंडेड होगा, और इतना ही नहीं अपने बाउंड्स भी अटेन करेगा। ठीक, मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ना ग्राफ के थ्रू समझा देती हूँ एक बार, तो आपको याद रहेगा। ये कह रहे हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पर, मान लो ये इंटरवल है क्लोज्ड ए टू बी इस तरह से, और फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है, तो सपोज फंक्शन ऐसा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अपने इसके अंदर एक ना एक बार वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर इसका दिख रहा है मुझे कि ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, तो ये एक ना एक बार यहाँ अटेन ज़रूर करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो अपने से डोमेन से कोडोमेन से बाहर निकल जाएगा। ठीक, साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी, साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी कहती है अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नॉन ज़ीरो है ना, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर नॉन ज़ीरो है इंटरनल पॉइंट पर, तो उसके इमीडिएट नेबरहुड में वो अपना साइन रिटेन करके रखेगा। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है ना तो वो साइन रिटेन नहीं करेगा, वो फ्लक्चुएट करेगा उसके नेबरहुड में, सी के नेबरहुड में, प्लस माइनस में। डार्बो थ्योरम फॉर कॉन्टीन्यूटी या डार्बो थ्योरम फॉर फंक्शंस, डार्बो थ्योरम फॉर कॉन्टीन्यूटी ये कह रहे हैं कि अगर मेरा फंक्शन जो है ना इसके एंड पॉइंट्स पर जो साइन है वो डिफरेंट है ना, डार्बो यही कह रहे हैं ना, बिल्कुल। तो जैसे ये एंड पॉइंट है ए और बी, इसमें फंक्शन का जो साइन है वो ऑपोजिट है, तो और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो कहीं ना कहीं ज़ीरो को क्रॉस करेगा। ठीक है, सो एफ़ ए डॉट एफ बी इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी उनका साइन ऑपोजिट है तो कहीं ना कहीं वो हमारे इधर क्रॉस करेगा, किसको, ज़ीरो को क्रॉस करेगा। ठीक, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहती है अगर मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है और एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं है, मान लो यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो इस तरह से कहीं ज्वाइन होगा कॉन्टीन्यूटी में। तो ये कह रहे हैं कि अपने एफ ए जो है हमारा, जैसे यहाँ पर एफ ए होगा, यहाँ कहीं पर एफ बी होगा, तो ये एफ ए और एफ बी के बीच की सारी वैल्यूज़ कंसिडर करेगा। ये दिख रहा है आपको कि फंक्शन जो है वो सारी वैल्यूज़ कंसिडर करेगा, इसे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से ना दो तीन रिजल्ट और निकल के आते हैं। पहला, तो अगर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन और मोनोटॉनिक है, चाहे तो लिख सकते हैं आप, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ की जो थ्योरम है उसमें से ये एक थ्योरम ऐसी है जो, या ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हमें ये बता देती है कि कब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। तो अगर आई वी टी सेटिस्फाई करता है वो, आई वी टी नहीं आई एम वी, साथ में मोनोटॉनिक है, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, राइट। और एक चीज़, अगर अगर फंक्शन ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है तो उसके पास डिसकॉन्टीन्यूटी अगर होगी, कोई भी फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस नहीं, कोई भी फंक्शन अगर आपको पता चल गया कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो डिसकॉन्टीन्यूटी सिर्फ दो तरह की हो सकती है, या तो रिमूवेबल या फिर डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसे भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम थोड़ा सा कहती है कि आपको, अगर आपका फंक्शन जो है ना, सपोज़ ये है ए और ये है बी, फंक्शन का जो रेंज है वो भी ए और बी के बीच में ही है, यानी फंक्शन का डोमेन और उसका रेंज जो है सेम इंटरवल है, उस केस में क्या होगा, फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है तो फंक्शन के पास फिक्स्ड पॉइंट होगा, यानी देयर मस्ट बी अ सी सच दैट एफ सी इक्वल टू सी। तो इसी को फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी की सारी थ्योरम्स। देन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी में जो मुझे डेल्टा मिलता है वो कैसा मिलता है, इंडिपेंडेंट ऑफ दी पॉइंट, है ना, इसका मेन क्रक्स ही यही था, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल पॉइंट, वो पूरे इंटरवल पर सेम डेल्टा वर्क करेगा, है ना। जो बिल्कुल ही नए हैं जिनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि डेल्टा कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो बेटा आप लोग सबसे पहले जा करके पुरानी वीडियोज़ देखो,
जहाँ पर पूरा कोर्स किया हुआ, उसके बाद रिवीजन करने के लिए आना। जिनको पता है उनके लिए तो ये छोटी सी बात है कि हाँ यहाँ पर डेल्टा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, अब अगेन हमें डेल्टा एप्सिलॉन से कोई मतलब नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें थ्योरम्स चाहिए सिर्फ, है ना। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, ऑब्वियस सी बात है, इफ़ अ फंक्शन इज़ यू सी इट विल इम्प्लाई इट इज़ कंटिन्यूअस। इसमें एक टर्म आती है लिपशिट। लिपशिट फंक्शन कैसा होता है आपने बहुत सुना होगा और बहुत काम आता है लिपशिट जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं। तब लिपशिट में क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन को लिपशिट कहते हैं अगर किसी इंटरवल पर किसी दो पॉइंट के लिए ऐसा कुछ मुझे मिल जाए ना, इज़ लेस देन सम एम, देयर एग्जिस्ट एन एम सच दैट दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, जो भी हमने इंटरवल लिया हुआ है उसमें, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं लिपशिट फंक्शन है। और जब भी फंक्शन लिपशिट होता है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। तो एक तो ये बड़ी काम की चीज़ निकल के आई। दूसरा, अगर फंक्शन क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल पर कॉन्टीन्यूअस है तो यू सी होगा। क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल को हम कॉम्पैक्ट इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट, तो यहाँ पर यू सी होगा। कॉन्टीन्यूटी है अगर ओपन बाउंडेड इंटरवल पर, क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल ऐसा दिखता है, ओपन बाउंडेड इंटरवल ऐसा दिखेगा, ठीक है, ओपन बाउंडेड इंटरवल पर, और साथ में एंड पॉइंट पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये बोथ वे इम्प्लाई करेगा यू सी है, बोथ वेज, ठीक है। हाउएवर ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हम आर के बात कर रहे होते हैं। आर कैसा होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो अगर कॉन्टीन्यूअस है आर पर और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो सिर्फ इम्प्लीकेशन आती है यू सी की। मतलब अगर कोई फंक्शन यू सी है पूरे के पूरे आर पर तो ये नहीं पता चल जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दोनों साइड पर, एंड्स पर, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिपशित, अगर फंक्शन लिपशित है तो वो यू सी होगा। ये हम कई जगह कई बार यूज़ करते आए हैं, यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला देख लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव भी आपको पता है कि कैसे निकालते हैं हम लोग, तो डेरिवेटिव के पीछे नहीं पड़ेंगे। या मैं लिख ही देती हूँ एक बार के लिए, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसका लिमिट निकाल रहे होते हैं हम, एक्स अप्रोचेस टू सी, जो कुछ भी आता है वो होता है डेरिवेटिव एट सी, है ना। तो ये है हमारा क्या, डेरिवेटिव। नाउ अगर फंक्शन डेरिवेटिव है तो उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होगा, है ना। मोनोटोनिसिटी जज कर सकते हैं हम डेरिवेटिव से, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। अगर इंक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेस देन जीरो है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। डार्बो फॉर डेरिवेबल फंक्शन, ये जो हमने डार्बो पढ़ा था सिर्फ फंक्शन के लिए कॉन्टीन्यूटी में, वही वाला डेरिवेटिव के लिए पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर क्या है, अगर मेरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एंड पॉइंट पर ये सेटिस्फाई करता है तो एक सी मुझे मिलेगा जहाँ पर ये डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। बिल्कुल वही चीज़ है डेरिवेटिव के लिए। गेट वैल्यू प्रॉपर्टी इधर सेम चीज़ कह रही है कि अगर जो डेरिवेटिव है ना वो एंड पॉइंट पर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो जो फंक्शन होगा डेरिवेटिव फंक्शन जो होगा वो सारे के सारे पॉइंट्स अज्यूम करेगा बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। क्योंकि देखो अगर बी रोल्स थ्योरम लैग्रांजेस थ्योरम और कॉशीज थ्योरम, ये तीनों एक जैसी ही ऑलमोस्ट थ्योरम है। रोल्स थ्योरम में क्या कह रहे हैं, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पर, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, इस केस में क्या होगा, और फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, तो इस केस में एक पॉइंट मिलेगा जहाँ डेरिवेटिव कैसा होगा, ज़ीरो होगा। इसी को थोड़ा सा बढ़ा करके लैग्रांजे ने बता दिया, दो वो लेकर के मतलब एक कंडीशन हटा दी यहाँ से, ये वाली कंडीशन हटा करके ना, कि कॉन्टीन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल पर, डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल पर, तो एक सी एग्जिस्ट करेगा जैस विच विल बी इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी, मतलब डेरिवेटिव एट सी शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। और कॉशी ने क्या किया, कॉशी ने ये दो फंक्शन के लिए कंपेयर कर लिया, वही चीज़, दोनों जो फंक्शंस हैं वो कॉन्टीन्यूअस हैं क्लोज्ड पर, डेरिवेबल हैं ओपन पर, और जो दूसरा वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वो ज़ीरो नहीं है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो लिख भी नहीं सकते, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी इज इक्वल टू वॉट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, है ना। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं, स्लोप के साथ ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग तो स्लोप का पता कर रहे हैं, कहाँ कैसा स्लोप दिखेगा। टेलर्स एंड मैकलरिनस थ्योरम जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरह से, क्योंकि ये हमें ना एक्सपेंशन देती हैं, ठीक है। तो टेलर्स और मैकलोरिन, मैं सीधे एक्सपेंशन ही लिख देती हूँ,
और एक्सपेंशन कैसे देती हैं, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो टेलर का जो एक्सपेंशन होता है, टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन, वो कुछ ऐसा होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए, है ना। यहाँ एक्सपेंशन लिख रहे हैं हम किसका, फंक्शन का, एट द पॉइंट ए प्लस एच विद दी हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, है ना। टेलर्स और मैकलोरिन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कब, जब हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हम यही कर रहे होते हैं मोस्टली हर क्वेश्चन में। इस तरह से इसके एक रिमाइंडर फॉर्म भी आती है, कुछ रिमाइंडर भी बनता है, वो रिमाइंडर आप अपनी बुक में चेक कर लेना क्या है, बड़ा सा होता है रिमाइंडर। यहाँ लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ ये जानना है कि ई रेस टू द पावर एक्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, लॉग एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, और एक लिख लो 1 + x^2 m, इनके एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनके एक्सपेंशन काम आते हैं। तो ये टेलर्स हो गया। मैकलेरिन में क्या डिफरेंस आ जाता था, मैकलेरिन में फंक्शन, ये जो एच है ना, ये जो ए है, अबाउट ए, जब हम टेलर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, टेलर्स किसी फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हैं अंडर टेलर्स थ्योरम, यहाँ पर वो 0 के अराउंड करते हैं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0, यानी जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम 0 लिख देते हैं। इसका भी कुछ रिमाइंडर फॉर्म आ जाता है, और फर्दर इन रिमाइंडर फॉर्म्स को भी 3-4 तरह के नाम में बांटा गया है, ये रिमाइंडर, कॉशीज रिमाइंडर, लैग्रांजेज रिमाइंडर, बट उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, जानना आपको सिर्फ इतना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये 5 जो फंक्शंस हैं, इन 5 फंक्शंस का एक्सपेंशन याद करके जाना, कुछ भी नहीं होगा तो इनसे क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एक्चुअली क्या करते हैं, बाउंडेड वेरिएशन आता कहाँ से है, मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, एक इंटरवल गिवन है, मैंने इस इंटरवल का पार्टीशन कंसिडर कर लिया, ठीक है, और फिर मैंने देखा पार्टीशन के पॉइंट मिल गए मुझे एक्स आई टाइप के, फिर मैंने क्या किया, ये देखा एक्स आई प्लस 1 - एफ ऑफ एक्स आई, ये डिफरेंस और इनका सम किसके ऊपर, फॉर एवरी पार्टीशन, अगर ये बाउंडेड आ जाता है या अगर ये फाइनाइट आ जाता है, तो हम कहते हैं फंक्शन कैसा है, इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, है ना। बाउंडेड वेरिएशन की मतलब बेसिक जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से करनी होती है, बट हमें एग्ज़ाम में बैठ करके पार्टीशन नहीं बनाने होते अपने इसके, तो हम सीधे वहाँ आ जाते हैं जो हमें ज़रूरी है। अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है फंक्शन में, तो उसका मतलब वो बाउंडेड होगा, एक तो वन लाइनर। अगर फंक्शन बाउंडेड है सपोज, और आपने ये भी प्रूव कर दिया कि वो मोनोटॉनिक है, तो कैसा बन जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन। क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, वहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, वहाँ पर आपको ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। जब फंक्शन, या तो आप दिखाओ फंक्शन बाउंडेड है मोनोटॉनिक है, तो बाउंडेड वेरिएशन का बन गया, ठीक है। अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है, फंक्शन डेरिवेबल है, आपने देख लिया डेरिवेटिव निकाला, देखा जो गिवन इंटरवल था उसमें डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएबल हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा है कॉन्टीन्यूटी का और बाउंडेड वेरिएशन का कोई आपस में मेल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कुछ भी इम्प्लाई नहीं करता, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्टीन्यूटी हमें कुछ नहीं बताएगी, राइट। लास्ट में लिखा है वेरिएशन फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, फंक्शन ऐसे लिखते हैं, और इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ यही आएगा। मैं एक रिज़ल्ट बोल देती हूँ, यहाँ लिखा तो नहीं है, आप नोट कर सकते हो कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, तो वो इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ डिफरेंस ऑफ टू मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, और वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ये अगर मैं वी एफ से डिनोट करूँ ना वेरिएशन फंक्शन को, सो वी एफ माइन वी एफ प्लस एफ बाई टू माइनस वी एफ माइनस एफ बाई टू। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ऐसे पूछ सकता है कि कोई भी फंक्शन जो बाउंडेड वेरिएशन का है, उसे हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ डिफरेंस ऑफ टू मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, ये जो दोनों चीज़ें बनेंगी ना, ये दोनों एंटिटी बनेंगी, ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगी, राइट। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करने के लिए हम लोग बैठे हैं, मतलब बेसिकली। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, याद आ गया सब कुछ, कि कैसे दिखाते थे कॉन्टीन्यूटी, कैसे दिखाते थे लिमिट वगैरह वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं क्वेश्चन करने पर, कि क्वेश्चन में हमें यूज़ कैसे करना है ना। रिजल्ट याद तो बहुत अच्छे से रहते हैं लोगों को, लेकिन पता नहीं चलता उनको यूज़ कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एफ गिवन है फ्रॉम आर टू आर, ये फंक्शन गिवन है मुझे, एफ एक्स इज़ गिवन एज ए अपॉन 1 + bx2, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन है दैट बी इज़ ग्रेटर देन 0, ए और बी दोनों आर रियल नंबर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू पूछ रहा है,
यूसी के बारे में पूछ रहा है, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के बारे में, तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के रिजल्ट रिकॉल आज हो जाने चाहिए फटाफट। कह रहा है कॉम्पैक्ट इंटरवल पर, कॉम्पैक्ट इंटरवल अभी हमने बात करी, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल की बात कर रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अच्छा देखो ज़रा एफ एक्स को इन जनरल देखो, ये जो न्यूमिरेटर है ये तो एक कांस्टेंट चीज़ है और डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ये कहीं पर भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वन प्लस बी एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होगा कहीं पर भी। तो इसका मतलब ये जो रेशो बन रहा है एफ एक्स बन रहा है ये कॉन्टीन्यूअस तो होगा, तो मुझे कॉन्टीन्यूटी चेक नहीं करनी। अगर आपको ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं लग रही तो आप कॉन्टीन्यूटी चेक करके भी देख सकते हो, तो यानी एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस तो है। अब क्या पूछ रहे हैं कि कॉन्टीन्यूअस है तो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल भी दिया हुआ है, तो अगर अभी मैंने रिजल्ट पढ़ा था अगर कॉन्टीन्यूअस है और इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो मेरा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, यूसी होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन दे आर सेइंग एफ इज़ यूसी ऑन आर एंड बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, तो यूसी तो है आर के ऊपर, ये मुझे पता चल गया, क्यों, क्योंकि प्लस आर की बात कर रहे हैं ना, तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर भी होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स, कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे सो दैट मुझे इन्फिनिटी पुट करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो आ जाएगा और फाइनाइट है तो इसका मतलब यूसी हो गया आर के ऊपर। बाउंडेड भी होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, है ना, बाउंडेड होगा ना, दिख रहा है, क्योंकि ये जो न्यूमिरेटर होगा ये वाली चीज़ ये हमेशा बाउंडेड होगी वन प्लस समथिंग लिख करके, तो मुझे नहीं लगता बाउंडेड आपको बताने की ज़रूरत है, बट फिर भी ठीक है आप लोग चेक कर सकते हैं, ये बाउंडेड होगा तो ये सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट। एफ इज़ यू सी ऑन आर ओनली इफ़ बी इज़ ज़ीरो, कह रहा है सिर्फ जब बी ज़ीरो होगा ना तब यू सी होगा, ऐसा तो है नहीं। देखो मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहाँ पर ए को लिख लो वन और बी को भी वन लिख लो, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा होगा, यू सी होगा। ओनली इफ़ वाली जो सिचुएशन है ना, ओनली इफ़, ये तो गलत हो गई, तो थर्ड तो नहीं होगा, ठीक है, थर्ड नहीं होगा। फिर आपके पास f इज़ uc ऑन r एंड अनबाउंडेड इफ़ a इज़ नॉट ज़ीरो, यही वाला एग्जांपल ले लो, a नॉट ज़ीरो b नॉट ज़ीरो, अनबाउंडेड तो नहीं है बाउंडेड है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बन गया क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट इंटरवल इधर याद रखने की चीज़ थी, एक एंड पॉइंट पर चेक करना था r के लिए और हमारा क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो बाउंडेड वेरिएशन के लिए अभी हमने देखा बाउंडेड डेरिवेटिव, बाउंडेड और मोनोटोनिसिटी, और एक ग्राफ से भी कर लेंगे अभी, तो इसको देखो ज़रा, ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 1, कहाँ पर, माइनस 1 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली बाउंडेड होगा, है ना, तो बाउंडेड होगा, इसका मतलब ये बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। टेन पाई एक्स बाई टू का x कहाँ पर है, माइनस 1 टू 1, ओके माइनस 1 टू 1, ठीक है, तो 10 जब x की वैल्यू 1 होगी तो 10 पाई बाई 2 होगा, 10 पाई बाई 2 कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे चला जाता है। ग्राफ अगर आप बनाओ तो अगर यहाँ पर है पाई बाई 2 तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है ना 10 का, अगर मैं सही बना रही हूँ 0 पे 0 को क्रॉस करवा के, तो जब बाउंडेड वेरिएशन का होगा ना फंक्शन, तो फंक्शन इन्फिनिटी पे ऐसे स्टीप वैल्यू नहीं देगा, मतलब किसी भी पॉइंट पर ये इन इस लाइन के वाई एक्सिस के पैरेलल कभी भी नहीं होगा, तो यहाँ दिख रहा है कि ये पैरेलल हो जा रहा है तो इसीलिए ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। साइन एक्स बाई 2 माइनस पाई से पाई के बीच में, साइन फंक्शन बड़ा अच्छा फंक्शन होता है, साइन और कॉस फंक्शन बाउंड यही होते हैं, क्या होते हैं हमारे, बाउंडेड वेरिएशन के होते हैं, क्योंकि इनका वेरिएशन देखो बाउंडेड है, तो जो भी होगा एक्स बाई 2 माइनस पाई से पाई बाई 2 यानी साइन माइनस पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 ये जो वैल्यूज आएंगी इनके बीच में रहेगा तो ये बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। इसके बाद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो बाउंडेड आ जाएगा फ्रॉम माइनस 1 टू 1, या फिर ग्राफिकली अगर आप सोचना चाहो तो ये जो फंक्शन होगा ये मेरा माइनस 1 से लेके 0 पर तो इंक्रीजिंग होगा आई थिंक, हाँ, और 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो बाउंडेड तो है ही साथ में मोनोटॉनिक भी है, तो इसीलिए ये फंक्शन भी बाउंडेड वेरिएशन का होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर टू आर कॉन्टीन्यूअस मैप है, अगर कॉन्टीन्यूटी है तो क्या क्या हो सकता है, f बाउंडेड होगा, इमेज ऑफ f इज़ एन ओपन सेट, f a इज़ बाउंडेड एंड इनवर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट, तो कॉन्टीन्यूअस मैप गिवन है मुझे, कह रहा है f बाउंडेड होगा कि नहीं, देखो अगर मैं fx को x लिखूं तो ये फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r,
तो ये कॉन्टीन्यूअस मैप है बट बाउंडेड तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इमेज ऑफ एफ इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ आर, आर पे ओपन सबसेट। अच्छा, अगर मैं एफ एक्स को साइन एक्स लिख दूँ, ठीक है, तो मेरा जो एफ ऑफ आर आएगा कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा -1 to 1, ये ओपन है नहीं है तो ये भी नहीं होगा। एफ ए इज़ बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड सबसेट्स ऑफ सबसेट्स ए ऑफ आर। अच्छा, इसको देखते हैं, नीचे फोर्थ देख लेते हैं। इनवर्स इमेज ऑफ ऑफ ए इज़ कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए ऑफ आर। तो यहीं पर देख लो ना, ये जो साइन एक्स है इसका इनवर्स इमेज -1 और 1 का है ना, इस फंक्शन का, ये तो आर आ जाएगा ना, तो कॉम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, यानी फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया, क्योंकि थर्ड एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप शो भी कर सकते हो, एफ ए इज़ बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड सबसेट ए ऑफ आर। चलो किसी और दिन देखेंगे इसको, बट हाँ ये ज़रूर है कि व्हेन यू आर डूइंग सच क्वेश्चंस ना, जहाँ पर आपको फंक्शन वंक्शन कुछ गिवन नहीं है और वेग ही सोचना है, मतलब अपने दिमाग में ही सोचना है, उस जगह पर काउंटर एग्जांपल्स काम आएंगे। कुछ कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस क्या क्या होंगे, एक तो ये रहा कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, साइन कॉस ऐसे वाले फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होंगे, पॉलिनोमियल कॉन्टीन्यूअस होगा, और ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन ये कॉन्टीन्यूअस होगा। तो ये 2-4-5 फंक्शंस अपने दिमाग में रखना भी, कि हाँ ये वो फंक्शंस हैं जो कॉन्टीन्यूअस हैं, काउंटर एग्जांपल की तरह काम आएंगे। देन वी आर सेइंग फाइन है फंक्शन ऐसे डिफाइन है, साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड 1 व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पूछ क्या रहा है मुझे, कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, सिर्फ ज़ीरो पर प्रॉब्लम है ना, तो मैं सिर्फ ज़ीरो पर चेक कर लेती हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, वॉट इज़ एफ एक्स, इट इज़ 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज़ 1, एल हॉपिटल रूल लगा लोगे शायद तुम तो उससे आ जाएगा। डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो ज़ीरो पर मुझे देखना है ना, तो मैं ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव ऐसे निकाल लेती हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच या ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच, ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस साइन एच अपॉन एच। ये जो मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ है ना, प्लीज़ इसको आप इग्नोर करना, आई कैन नॉट हेल्प इट, मतलब कितना भी समझा दूँ लोगों को समझ में नहीं आता, सो अब मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एच माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर कुछ इस तरह से आ गया है ना, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। जैसे ही 0/0 फॉर्म आ गई, हम एल हॉपिटल अप्लाई कर लेंगे, एल हॉपिटल अप्लाई करते ही कट कुटा करके मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, 0 के इक्वल ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट इसी तरह से लिमिट आप निकालोगे एच अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, ये भी यही कहानी करते चले जाओगे, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आते ही एल हॉपिटल अप्लाई करो, पता चल जाएगा। तो एफ इज़ डिफ्रेंशिएबल, ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, बाउंडेड नहीं है, ये तो दिख रहा है बाउंडेड है, साइन एक्स अपॉन एक्स ऑब्वियसली इट्स अ बाउंडेड फंक्शन, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है विच इज़ द फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पूछ रहा है इनमें से कौन सा यूसी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये दिया हुआ है मुझे है ना, बाउंड दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा ऐसा कुछ होता है ना, 0 और 1 के बीच में यहाँ पर रहेगा ये फंक्शन, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो फंक्शन है वो ऐसे अजीब सी वैल्यू इन्फाइनाइट पे नहीं जा रहा है, तो आप डायरेक्ट ग्राफ देख करके भी कह सकते हो कि ये यूसी होगा। अगर आप ग्राफ देखना नहीं चाहते तो आपको पता है ई रेस्ट टू द पावर एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूअस होगा, एंड पॉइंट पर इनकी दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो यूसी हो गया। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगेन मैं अगर फंक्शन बना लूँ तो ऐसे बन जाएगा फंक्शन, आई मीन ग्राफ, 0 से 1 के बीच में ग्राफ अच्छा खासा है, माने एब्रप्ट बिहेव नहीं कर रहा, तो ये भी यूसी हो जाएगा। नहीं चाहते आप ऐसे करना तो 0 और 1 पर लिमिट चेक कर लो, एग्जिस्ट करेगी। टेन पाई एक्स बाई टू, तो जैसे ही यहाँ पर हम एक्स को 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेन पाई बाई टू, और पाई बाई टू पर 10 को दिक्कत हो जाती है ना, अभी बताया था ये इन्फिनिटी पे जाने लग जाता है, तो ये यूसी नहीं होगा वहाँ, साइन एक्स यूसी होगा कहाँ पर, 0 से 1 के बीच में, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिमिट कॉन्टीन्यूटी डेरिवेबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के ऊपर।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। एक लाइक तो कर दिया करो यार, उससे कुछ नहीं जाता, उससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कुछ काम की चीज़ हमने करी है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, प्रीवियस ईयर उठा करके देखोगे तो भर भर के क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। अगर जितना भी बताया गया है उतना भी आपको रिटेन रहे और अप्लाई करना आता हो कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चंस मोस्टली आपके हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल पेपर आएगा या आता है इन जनरल, कुछ एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके पूरा पेपर ऐसा होता है एवरेज। थोड़ा कूल रह करके करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, है ना। तो एग्ज़ाम से पहले अपने आप को मोटिवेट करके रखो कि आता हमें सब कुछ है, बस प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।